डाल देना, डाल दे। पूरा फूड स्टॉल लगा हुआ है, लेकिन भाई की डेडिकेशन मानता हूँ मैं, बहुत देर से बैठा हुआ है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग देख रहे हैं वापस ऐसे व्लॉग, ऐसे व्लॉग्स का मतलब होता है सैयद फ्लैग व्लॉग्स। तो भाई अभी आप लोग जैसे देख रहे हो मैं कार में हूँ और ये व्लॉग कल ही आ जाएगा। सब्सक्राइब पहले मार देना, पहले फटाक से सब्सक्राइब मार दो भाई सब लोग। बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूँ। लखनऊ में आज कोई फूड फेस्ट है, उसी से रिलेटेड मैंने ये व्लॉग बना रहा हूँ। थोड़ा गाड़ी चला रहा हूँ, थोड़ा मिसमैच कर रहा हूँ, थोड़ा समझ जाइएगा। और लखनऊ में फूड फेस्टिवल है, उसी के ऊपर ये पूरी जगह पे जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, संगीत नाटक एकेडमी। और अच्छा है, फूड फेस्टिवल है, म्यूज़िक है, प्लस आप लोग फैमिली लेके भी आ सकते हो। जैसे कल मैं फैमिली को लेके जाऊँगा, तो जिन लोगों को भी जाना है, आज है 25 तारीख, आज एक फेस्टिवल है और कल है 26 तारीख जो लास्ट फेस्टिवल होगा, मतलब लास्ट दो दिन का है, एक 25 और एक 26, तो लास्ट 26 को है, मतलब कल। तो ये व्लॉग जब तक आ चुका होगा, आप लोग जो लोग देख चुके हो, अगर जाना चाहो तो अपनी फैमिली को लेकर जा सकते हो या खुद भी जा सकते हो, अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो। तो मैं जैसे जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, फिर मैं वहाँ पहुँचता हूँ और बढ़िया सब व्लॉग आप लोग को दिखाता हूँ। और बहन भी वहीं पर है तो उनसे भी मिल लूँगा। बढ़िया, आज जा रहा हूँ, कल फैमिली को लेकर जाऊँगा। तो भाई जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से पहले सब्सक्राइब मार दो, उसके बाद आगे का व्लॉग कंटिन्यू देखो। अब ऑफिशियली आप लोग कह सकते हैं कि लखनऊ वाले लूलू को भूल चुके हैं, क्योंकि अब मुझे उतना क्रेज़ नहीं दिखाई देता जितना पहले हुआ करता था। लूलू 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 हर टाइम लूलू, इतना लूलू करते थे। तो मुझे अब जहाँ लगता है कि लोग भूल चुके हैं लूलू को, अब सिर्फ शॉपिंग या कुछ किसी चीज़ें के लिए ही जाते हैं, अब पहले जैसा क्रेज़ नहीं रह गया है। भाई जो लोग भी लखनऊ में रहते हैं ना, अगर उन्होंने ये वाली प्रॉपर्टी देखी है ना, बेहद खूबसूरत प्रॉपर्टी है ये, बेहद खूबसूरत, वो मैक्स वालों की है। अगर ऊपर वाले ने नवाज़ दिया ना, तो इंशाल्लाह एक फ्लैट इसमें लेने वाला है, लेना चाहिए। मतलब बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत खूबसूरत है ये। और इसके जस्ट सामने आ गया हमारा फिनिक्स प्लासियो। तो भाई फाइनली तो यहाँ पहुँच चुका हूँ, लेकिन इतनी भयंकर जाम है ना, पूरा वहाँ तक, ये रिज़र्व बैंक ऑफ वाली रोड है, ये पूरी वहाँ तक एकदम भरी हुई है यार, कहीं कोई जगह ही नहीं थी। और काफ़ी दूर आया हूँ, और ये हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है सामने, और उधर है वहाँ पे फंक्शन हो रहा है, तो वहीं चल रहे हैं, दिखाते हैं, मिलाते हैं सब लोगों से आपको। चले गए यार, मिलिए हमारे बहुत पुराने दोस्त से जल्दी नहीं जयंत, क्या हाल है भाई? 1 2 3 आप ही है, है कहाँ? 1 2 3 और कहीं कहीं होगी। 1 2 3 और अगेन 1 2 3। तो जयंत और हम लोग स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं, फिर कॉलेज में। अगेन 1 more time 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऑलराइट। अब थोड़ा जोश, जब हम हिट करेंगे एक साथ बोलेंगे हे, क्या बोलेंगे? लाउडर, हैंड्स अप एंड हे, लाउडर, हे, अगेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड एंड 1 2 3 1 2 3 1 2 3 समझ में आ गया? राइट, वेरी नाइस। साथ में स्टॉप होगा तभी मजा आएगा, ठीक है? 4 3 हे हे हे, कम ऑन एवरीवन, हे हे, कीप प्लेइंग एवरीवन।
आज वीडियो डाल देना। डाल देंगे। तो भाई जिस काम के लिए आए थे वो बताना ही भूल गया कि यहाँ पे पूरा फूड स्टॉल लगा हुआ है। फूड का ही ये एक तरीके का फेस्टी है जो आप लोग बताता हुआ आ रहा था मैं। और ऐसा करके सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पे, हर एक चीज़ आपको मिलेगी खाने के लिए फेस्टिवल टाइप का। बाकी ऐसे कुछ है, हर जगह लगा हुआ है। ये हमारी बड़ी बहन है, इनका इवेंट करा है। ये सब डेकोरेशन वेकोरेशन इन्होंने की होगी। ये डेकोरेशन आप ही ने की है ना? ये सब इन्होंने की है, वो भी इन्हीं का ही है पूरा। तो चलिए कुछ खाते हैं पीते हैं देखते हैं। वहाँ पे अभी इयर रिंग्स वगैरह का ये सब स्टॉल हुआ था, तो वहाँ पे भी हम लोग गए, बड़ा अच्छा लगा। फिर इसके बाद ये कैश वाला है, जैसे ये बना हुआ है एग्जैक्ट वैसे सेम बनेगा। बाकी इधर भी है, टैटू हो गया, वो हो गया, यहाँ पे क्रिएटिव का है, वहाँ पे फूड का है ना। यहाँ पे क्रिएटिव वाला है, आर्ट वाला, उधर फूड है। हम लोग कम से कम आधा घंटा हो गया है वहाँ से हटे हुए, और वो लड़का अभी भी ऐसे बैठा है, इसीलिए मैं नहीं जा रहा था वहाँ। आपके दांत दिख रहे हैं। अरे वो जूम पे था ना, तो यहाँ बेचारा तब से बैठा हुआ है, इसी चक्कर में मैं नहीं जा रहा था। आधे घंटे से बैठे, इतनी देर में बैठ ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। डेडिकेटेड है, पागल है, ये सब चीज़ें कोई ज़रूरी चीज़ है? खुद ही बैठो एक घंटे फिर पैसा दो। चलिए थोड़ी देर यहाँ पे और है, फिर उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। भाई एक घंटा पूरा हो गया, लेकिन भाई की डेडिकेशन मानता हूँ मैं, बहुत देर से बैठा भाई और अच्छा बना, बहुत बहुत एग्जैक्ट बना रहे। निकल चुका हूँ और पहुँचूंगा फौरन घर, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। लेट क्या हो गया भाई, मतलब उतना ही टाइम है बस। ऐसे आजकल हम 9 बजे तक चले जाते थे ना घर, कोई काम ख़त्म हो जाता था 9 बजे, फिर उसके बाद मैं घर भाग जाता था। अब ऐसे क्या है कि अभी काम आज जल्दी ख़त्म हो गया तो मैं जल्दी घर निकल गया। कल देखिए काम शुरू है, और ये ऐसा कुछ इवेंट हो रहा है यहाँ पे। भाई सब लोग आओ, इवेंट अच्छा है, बहुत अच्छा है, और चिल मारने के लिए बहुत सही चीज़ है। तो आइए आप यहाँ पे आइए, चिल करिए। कल का लास्ट डे है 26। जिन लोग भी व्लॉग देख रहे हैं भाई, अपने फैमिली वालों को अपना खुद लेके आओ और चिल करो यहाँ पे, बढ़िया। तो आना, अच्छा लगेगा तुम्हें आना, ऐसा कुछ इवेंट है यहाँ पे। 1090 चौराहे के जस्ट पास में ही है संगीत नाटक एकेडमी, चले आइएगा, देख लीजिएगा। इसी बहाने का हिसाब लोग को थोड़ा बहुत आउटिंग हो जाएगी, आप आ जाओगे यहाँ पे, थोड़ा टहल घूम लोगे, मज़े कर लोगे, बढ़िया है। आओ थोड़ा घूमो टहलो, गोमती नगर के नज़ारे लो, इतने अच्छे अच्छे नज़ारे मिलेंगे यहाँ पे आप, बढ़िया जगह है वैसे गोमती नगर। मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, बहुत ज़्यादा दिनों बाद आया हूँ आज गोमती नगर, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट में गोमती नगर कब आया था। तो सही है, चलते हैं घर, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बढ़िया आप लोग खाइए पीजिए और स्वस्थ रहिए, मम्मी पापा लोग को नुकसान मत पहुंचाइए और उनको दिक्कत मत दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पास और कुछ नहीं चाहिए। 1090 चौराहा देख लीजिए, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।